सॉरी गाइस, अभी मेरी आवाज आ रही है? कैन यू सी द स्क्रीन? यस हाँ, सो जैसा मैं बात कर रहा था यहाँ पर सेकंड लॉ के बारे में, तो हमने इक्विवेलेंस इक्वल टू इक्विवेलेंस वाला वर्जन पढ़ा था, एंड उससे समझ में आ जाता है दैट रेशियो ऑफ मास इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। और उसको एनसीईआरटी में, या जो ओल्डर वर्जन था उसमें, इस तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं दैट द रेशियो ऑफ द, इफ द सेम चार्ज इज पास देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आप इजीली समझ सकते हो ये दोनों वर्जन्स को? यस सर। ठीक है, नाउ इसके साथ में ऑल्सो एक चीज नोट कर लेना, दिस इज लाइक सम वर्ड्स एडिशनली जिनका यूज किया जाता है। आपको मोल कंसेप्ट चैप्टर से याद होगा, 1 ग्राम एटम इसका मतलब क्या होता था? 1 मोल ऑफ एटम वन ग्राम मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब होता था? ये आपने पढ़े होंगे ना, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। इनफैक्ट आपने ये 1 ग्राम आयन भी पढ़ा है। 1 ग्राम आयन का मतलब क्या होता है? नॉट मास ऑफ आयन इज 1 ग्राम, जबकि 1 मोल ऑफ आयन है ना, ये नोटेशन रहता है। वैसे एक नोटेशन अभी ध्यान रखना, विच इज कॉल्ड एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ऐसे जी हाइफन इक्विवेलेंट रहेगा, राइट? सो यू हैव जी इक्विवेलेंट, राइट? और यू कैन से 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका क्या मीनिंग रहेगा? 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ओके सर। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे क्विकली ताकि आपको ये टर्म्स का आइडिया लगे थोड़ा बहुत। चलो फटाफट फटाफट बताते जाओ क्या आंसर रहेगा इसका। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज व्हाट? नहीं, भव्या ऐसा नहीं, देखो एक बार ढंग से पूरा फॉर्मूला एनालाइज करो ना। W इज इक्वल टू जेड आई टी, दिस इज ग्राम्स में, एंड दिस आई टी कूलम में। समझ में आएगा दैट z का यूनिट जो होगा वो ग्राम पर कूलम। ठीक है, ओके। 76 बता दो, व्हाट डज 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन?
this would mean one equivalent of substance. And one equivalent substance is equal to how much charge? 96500 coulombs. Right? Ya fir charge in farad. ठीक है, वन फैराडे बोलोगे या फिर 96500 कूलम बोलोगे, राइट? वापस से, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू लिबरेट वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? वन फैराडे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes. ये वाला बता दो. यहां पर ए ऑप्शन में कितना मेटल डिपॉजिट हो जाएगा? 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल गेट डिपॉजिटेड. यहां पर 1/2 मोल ऑफ बेरियम विल गेट डिपॉजिटेड. 1/2 मोल ऑफ कॉपर विल गेट डिपॉजिटेड. यहां पर 1 मोल ऑफ सोडियम विल गेट डिपॉजिटेड. So that is what is 1 gram atom of sodium can all be said. ठीक है, ये टर्म समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, last वाला दोबारा बता दो. 1 gram, 1 farad charge है ना? 1 farad electricity से 1 equivalent substance deposit हो रहा है? Yes, sir. अब 1 equivalent of aluminium मतलब कितना moles of aluminium? 3 होता है तो 1/3 मोल हो गया ना? Okay, sir. समझ में आया अभी? Yes, sir. 1 farad से आए ये. चलो ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है आज के लिए. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ठीक है, वी आर डन विद द गैल्वेनिक सेल पार्ट, वी आर डन विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पार्ट. ठीक है, ओके सर. सर आप लास्ट वीक होमवर्क नहीं भेजा था? हाँ, मैं अब आपको होमवर्क भेज देता हूँ. ट्राई करना. सर मुझे एक छोटा डाउट पूछना था काइनेटिक्स से. बोलो बोलो. सर जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस हाफ बी गोज टू सी, सर इसमें हम क्या डिनोट करेंगे? बी की कंसंट्रेशन बताते हैं ए की. ए प्लस हाफ बी गोज टू सी. हाँ तो सर इसमें बी की कंसंट्रेशन बता दोगे या ए की? B की कंसेंट्रेशन को क्या करूंगा मैं? सर मतलब मुझे वो करना है कि A की कंसेंट्रेशन ज्यादा है या B की, मुझे इसमें इवैल्यूएट सा करना है थोड़ा. तो कल TWT में क्वेश्चन था, उसमें ग्राफ के बेस पे दे रखा था ये चीज. यस सर. मतलब समझा नहीं मेरे क्वेश्चन आपका. सर मैं क्वेश्चन भेज दूं सर एक बार ग्रुप पे? भेजो भेजो. Thank you.
हो गया, मतलब आज का डिस्कशन हो गया, वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। मैं बस अभी उसके डाउट का वेट कर रहा हूँ, वो डाउट भेज रहा है। भेजा क्या तुमने? भेजा सर, बस अभी स्क्रीनशॉट। अच्छा which of the following graph represents the reaction type A plus 2B gives C? और इसमें concentration versus time का data दिया है। तो basically इसमें अगर मैं ए और बी ग्राफ के बारे में बात करूं तो ये तो गड़बड़ हो गए, बिकॉज सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना चाहिए, यहाँ तो डिक्रीज करता हुआ दिखा रहा है। यस सर। ठीक है, अब सी और डी ऑप्शन पूरा आया नहीं है तुम्हारा। डी मैंने दोबारा से भेज दिया है, बट आई एम अज्यूमिंग कि कुछ इस तरीके से होगा जिसमें ए और बी ऊपर या नीचे होंगे। ठीक है, बी ऊपर है, यहाँ पे सी ऊपर है, यहाँ पे ए ऊपर और बी नीचे कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा। यस। ठीक है, इन दोनों में क्या अजम्पशन है? अज्यूमिंग इसमें, ठीक है, काइनेटिक्स कुछ भी नहीं है इसमें, मूल कंसेप्ट है। अज्यूमिंग बोथ ए एंड बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, तो अब एनी टाइम लाइक टी इक्वल टू जीरो पर ये ए है और ये भी ए है, अब किसी भी टी टाइम पर ये ए माइनस एक्स होगा तो ये ए माइनस टू एक्स ही होगा ना, एज पर देयर स्टोइकोमेट्री। तो यहां से आपको दिखेगा दैट ए एट एनी टाइम टी विल बी ग्रेटर देन बी एट एनी टाइम टी, है कि नहीं? यस सर, मैंने वो डेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू डेट ऑफ वाला ले लिया फार्मूला, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ काइनेटिक्स ही नहीं है, तो मतलब जस्ट लॉजिक है। ठीक है, ओके सर, मेरे से नहीं होता। All right. Any other doubt? Chalo, theek hai then. Thank you guys. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you. Sir. Thank you, sir.